फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम वाकई में सेलिब्रेशन कर सकते हैं ओलंपिक रिलेटेड, यानी कि आपने नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेके आ चुके हैं जेवलिन थ्रो में, यानी कि इंडिया के ओलंपिक के टूर में अब तक कोई भी सिल्वर मेडल नहीं था और ना ही गोल्ड मेडल अभी तक आया है, पर अपने पास हो चुके हैं 5 ब्रॉन्ज मेडल एंड 1 सिल्वर मेडल, वो भी नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त नाइट में, यानी कि 11:45 का मैच था, तब हम सारे लोग देख रहे थे जेवलिन थ्रो का मैच, और उसमें मैं बोलूँ तो पाकिस्तान के लड़के ने गोल्ड मेडल जीता और हमारे भारत के बेटे ने सिल्वर मेडल जीता, यानी कि थोड़े इंचेस का फर्क है जो पाकिस्तान का हाईएस्ट रिकॉर्ड और ओलंपिक का रिकॉर्ड बन चुका है 92.97 मीटर, यानी कि आप सोचो कितना बड़ा थ्रो फेंका होगा, वो भी 90 मीटर से ज़्यादा दो बार उन्होंने फेंका है सेकेंड अटेम्प्ट में और लास्ट अटेम्प्ट में, यानी कि 6th अटेम्प्ट में, और नीरज चोपड़ा ने सेकेंड अटेम्प्ट में 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंका था, वही उनका हाईएस्ट था, और बाकी सारे थ्रो कैंसिल हो गए क्योंकि लाइन के क्रॉस जा रहे थे, इसलिए उनके सारे थ्रोज को कैंसिल कर दिया गया, पर जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसके साथ उनको सिल्वर मेडल मिल गया है, और काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स थे जिन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, पर ये जो दो गोल्ड और सिल्वर मेडल आए हैं वो मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि हमारे एशिया में ही आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है, तो गोल्ड नहीं आ सका पर सिल्वर आ गया है वो बड़ी बहुत बड़ी बात है, जैसे कि हमने वो विनेस फोगाट का देखा जो फाइनल में आ जाती तो वो भी कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर ले आती, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाई चांस बाई लक हम बोल सकते हैं कि जो होता है वो नसीब के रिलेटेड होता है और जो होता है अच्छा ही होता है, तो उन्होंने लास्ट टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था और इस साल सिल्वर मेडल जीता है, तो ये उनका जो रिकॉर्ड है पूरी जर्नी जब से उन्होंने स्टार्ट किया ओलंपिक में, उनका ये सेकेंड लॉन्गेस्ट थ्रो है, यानी कि सबसे हाईएस्ट में दूसरे नंबर पे आता है 89.45 मीटर का, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें 89.34 मीटर था, उनको थोड़ा सा बीट कर दिया है 0.12 मीटर से, तो लेट्स होप कि ऐसे ही हम और मैचेस जीतते रहे और हमारे दुनिया में नाम रोशन करते रहे भारत का, तो लेट्स गो, आइए वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल और मददफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम ऐसे ही मिल जाएंगे न्यू वीडियो के साथ।